बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर जालौन से है, जहां पर ईद मिलादुन्नबी के दौरान हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए दो किशोर की मौत हो गई। झुलसे दोनों किशोरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया झुलसे दोनों किशोरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान जहां एक की मौत हो गई है, तो वहीं पर एक का इलाज अभी भी जारी है। झुलसे दोनों किशोरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान एक की मौत और एक का इलाज जारी। मुस्लिम इलाकों में जश्न चिराग का चल रहा था कार्यक्रम। मुस्लिम इलाकों में जश्न चिराग का कार्यक्रम चल रहा था, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र के करसान रोड स्थित कब्रिस्तान की ये घटना सामने आई है, जहां पर जालौन से खबर है, ईद मिलादुन्नबी के दौरान त्यौहार के दौरान यह हादसा हुआ, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दो किशोरों की हादसे का शिकार हुए, जहां पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर एक की मौत बताई जा रही है, दूसरे का इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ संवाददाता माजिद अरमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद, तो हादसा हुआ है जहां पर इस कार्यक्रम के दौरान, ईद मिलादुन्नबी के दौरान दो लोगों के हादसे में शिकार होने की बात कही जा रही है, जहां एक की मौत की बात भी कही जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें कि घटना पूरे क्षेत्र के करसान रोड की है, जहां पर जश्न ईद मिलादुन्नबी का जश्न चिरागे का कार्यक्रम चल रहा था, जो देर रात तक रहता है। और उसके बाद नबी पाक यानी ये हुजूर जी के जो आमद थी, उसको लेकर एक रात को ये झंडा निकालते हैं लोग, तो लोगों को बताने के लिए कि आज जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जश्न चिरागा है और आज उनके उनकी आमद का समय हो गया है। तो जिसको लेकर दो बच्चे जो है झंडा लेके जा रहे थे। हालांकि हाई टेंशन जो लाइन थी 11000 पावर की, वो काफी नीचे थी, जिसको लेकर बच्चों के जो लोहे के रॉड थे उसमें छिड़ गए, जिसके वजह से दो बच्चे एक दूसरे को बचाने में झुलझ गए, बुरी तरह से झुलझ गए, जिसमें एक की मौत हो गई, दूसरे को झांसी रेफर किया गया। हालांकि पता करने पर बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही जो है कि यहाँ पर सामने आई है। काफी दिनों से लगातार ये त्योहार को लेकर बिजली विभाग को बताया जा रहा था कि एक झंडे निकलते हैं, यहाँ पे जो 11000 की लाइन है इसको यहाँ से दूर करा जाए या इसको ऊंचा करा जाए, लेकिन बिजली विभाग की जो लापरवाही, जिन्होंने इसको नीचे नहीं किया, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पर जो आज एक उठाना पड़ा है, तो उसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है और दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसको झांसी रेफर किया गया, उसको उपचार चल रहा है। जी, यह हम जानकारी देने के लिए धन्यवाद माजिद। तो आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां पर दो लोग इसका शिकार हुए हैं। यहां पर एक की हालत सही बताई जा रही, तो एक की मौत की बात भी कही जा रही है।